लगभग यहाँ पर हेड प्राइस 50 रुपये है। उसके बाद आपको अंदर जाने मिलेगा। यहाँ पर अंदर आपको यहाँ हर तरह के पक्षी दिखाई देंगे। जैसे यहाँ बताया जाता है कि बहुत सारे पक्षी अलग अलग जगह के हैं। ये लगभग बहुत बड़ा है। ये यहाँ पर हम बोलते हैं कि अगर आप पैदल चलोगे तो कम से कम 2-3 घंटे आप यहाँ पैदल चलोगे तो आपको सारी चीज़ें दिखाई देंगी। यहाँ पर चिंतामणि कर बर्ड सेंचुरी है। ये कोलकाता में से जो ट्रॉलीगंज है वहाँ से लगभग 20 किलोमीटर है। आप अगर कोलकाता में कहीं पर भी हैं तो आप मेट्रो से आप या मेट्रो आ सकते हैं। वहाँ से ऑटो या उबर या ओला के द्वारा आप यहाँ पर आ सकते हैं। ये बर्ड सेंचुरी में बहुत हर तरीके के यहाँ पक्षी हैं। और अभी अंदर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या चीज़ें अभी दिखाई देती हैं। अभी शाम के लगभग यहाँ 4 बज रहे हैं अभी मॉर्निंग। पर ये कहा जाता है कि यहाँ पर अगर मॉर्निंग में आएंगे, सुबह आएंगे 7-8 बजे तक तो काफ़ी अच्छा रहेगा, बहुत सारे पक्षी दिखाई देंगे। जंगल की तरफ हम जा रहे हैं, बहुत बड़ा जंगल है ये जो गर्द, लेकिन सांप मिलने का बहुत चांसेस है। पहले से पता ही नहीं भी। ठीक है, यहाँ पे सांप भी होते हैं। तो यही रास्ता ही तो जाने का रास्ता ही यहाँ पर ये डंडी टाइप की है और घना हुआ है। यहाँ कहते हैं कि सांप वगैरह भी मिल जाते हैं रास्ते में, थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा बिना। पक्का यही रास्ता है? तो अरे रास्ता है कि ये मतलब चारों तरफ वॉल लगा हुआ है, मतलब नीचे दिखती नहीं है। चलते जा रहे हैं, अभी तक तो कुछ दिखा नहीं है। हाँ, आवाज़ ज़रूर आ रही है पक्षियों की। यहाँ पर आगे सुना है कुछ झील भी है, कुछ लोग देखते हैं क्या मिलता है वहाँ पर। मैं अपना ले रहा हूँ, तुम लोग अपना वीडियो बनाओ ना, मैं कहाँ रोक रहा हूँ। बहुत सुंदर है, पूरा घना घना एकदम से। यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर बांस के पेड़ अधिकतर दिख रहे हैं। चारों तरफ बांस के ही ज़्यादा पेड़ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर पक्षियों की आवाज़ जरूर आ रही है लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, होगी भी तो ऊपर होंगे। चलते हैं आगे, बढ़ते चलते हैं, देखते हैं और कहाँ पर क्या क्या मिलता है। यहाँ पर आने तीसरी सड़कें जंगल का भी जैसे फील हो रहा है। इधर चलते हैं, पर अपना पोर्टफोलियो बना रहा है, वीडियो बनाने आया है। वो झील का ले, वो पीछे वाला वो वाला मशरूम का ले। ये तीर डाल दे इटा पक्के। नहीं नहीं ये बार देखने मिल रहा है। पक्षियाँ तो ज़्यादा नहीं दिखे हैं। हाँ, शाम में थोड़ा सा अभी वो लौटने लगे, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। हाँ, यहाँ पर अगर सुबह आए तो काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अभी कम से कम 1-1.5 घंटे हम लोग घूमे हैं यहाँ पर, काफ़ी अच्छा लगा, बट पक्षी ज़्यादा नहीं मिले। दोस्तों, ये हम लोग चिंतामणि कर बर्ड सेंचुरी आ चुके हैं। यहाँ पर ये आपका कोलकाता साउथ में है, जो कि नरेंद्रपुर जो मिशन है हमारा उसके पास में ही पड़ता है। ऑटो उतर सकते हैं, वहाँ के बाद आपको ऑटो उबर या ओला से आप यहाँ पर आ सकते हैं। लगभग आपको बांसदरोड़ी मेट्रो से अगर आप मान लीजिए तो आपको लगभग 20 मिनट पड़ेगा। अगर आप एस्प्लानेड में हैं तो आपको 40 मिनट। इस तरह से आप जहाँ पर भी हों आप अपनी लोकेशन अकॉर्डिंग देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे पक्षी हैं जो हर जगह से आते हैं यहाँ पर यहाँ पर बेसिकली आना मेनली सुबह अगर आप आएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर पक्षी अभी शाम के समय तो इतने ज़्यादा नहीं दिखे हमें यहाँ पर। लेकिन ये
घूमने के लिए अच्छा है, व्यूज अच्छे हैं, सीनरी अच्छी है, ग्रीनरी अच्छी है। यही पक्षी अभी हम लोग आए यहाँ पर कर रहे हैं, एक दो घंटे यहाँ घूमे और यहाँ पक्षी अभी तक तो हमको मिले नहीं। कुछ पक्षी दिखे हैं, बट यही है कि आप आएँ तो कोशिश करें कि आप सुबह आ पाएँ। Hi guys, this is Dev. If you like this video, please subscribe to my channel and hit that bell icon. Wait, what?